विश्वास की गूंजने वाली और इस नेट के जरिए से पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचाने वाली और इस बनारस के अदादारों की आवाज को इस चैनल के जरिए से पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला लफ्ज आ रहा है, अपनी पूरी तहजीब को इकट्ठा करके मजलिस के हवाले कर देना ताकि ये बनारस के अदादार इसे दुनिया के हवाले कर दें। सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, ये लफ्ज फातिमान या बनारस या किसी शहर की कैदो मिल्लत का लफ्ज नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। अगर हुसैन की मजलिसें ही ना होती तो पता ही ना चलता कि मोमिनीन की बस्ती कहां कहां है। पता ही ना चल पाता। लिहाजा अगर ये देखना है कि मोमिनीन कहां बसते हैं, मुनाफिकीन की तो कोई गिनती नहीं है, मुस्लिमीन की तादाद इतनी है कि अगर वो वोटर लिस्ट बनने भी लगी तो तुम्हारा तो मजहब भी क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा कैसे पता चलेगा कि तुम कहां रहते हो। इस बनारस में अंदाजा हो सकता है कि कितने लोग रहते हैं, ये तो कोई कोई जुलूस ऐसा है जो सबको निकाल लाता है, कोई कोई जुलूस ऐसा है जो सबको निकाल लाता है और अंदाजा हो जाता है इतने। कयामत तक ये हैरत तो अपनी जगह रहेगी इतने। इसलिए कयामत तक ये हैरत अपनी जगह रहेगी कि इतने, ये इतने अपनी मेहनत की वजह से नहीं है, फातिमा की दुआ की वजह से। ये तो फातिमा की दुआ की वजह से इतने हैं का इतने। तो ये कैसे पता चलता कि यहां मोमिनीन की बस्ती भी है। हमने मोमिनीन से गुजारिश है और अब मोमिनीन निकल के आए, मोमिनीन निकल के आए। अगर इस मोमिनीन को कोई पैसे देने की भी दावत करता कि 100-100 रुपए बांटूंगा आ जाइएगा, तो मैं गारंटी से दे रहा हूं मुनाफिकीन तो बहुत आते। मोमिनीन तो नहीं आते, मुनाफिकीन तो बहुत आ जाते और आते हैं, लेकिन मोमिनीन नहीं आते। मोमिनीन का ये मजमा बगैर किसी मेहनत के कैसे जमा हुआ। मैं सईद भाई से एक जुमला कह रहा था जब इन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई 8 रबीउल अव्वल की, तो मैं कह रहा था कि सईद भाई मुझे एक बात बताओ, कितने करोड़ रुपए लगाने पड़ते इतने सारे मजमे को बुलाने के लिए, और वो सारा मजमा भी इधर उधर नहीं देख रहा है, सब एक ही तरफ देख रहे हैं। बस जो मजमा चारों तरफ देखे वो दौलत का मजमा है, जो एक तरफ देखे वो हुसैन की मोहब्बत का मजमा। सुबह ही सुबह जरा सोचिएगा, सुबह ही सुबह जो शहर 2 बजे सोया हो वो सुबह ही सुबह नाश्ता करा सकती है तो कराओ ना, हम जा रहे हैं। कोई बिस्कुट खिलाना हो तो खिला दो वरना हम जा रहे हैं। अरे रुकिए तो सही, सुबह को हम तेजी में थे, दोपहर को वो तेजी में थी। सुबह को हम तेजी में थे कि हम जा रहे हैं फातिमान में मजलिस हो रही है, दोपहर में वो तेजी में थी कि मियां खा सकते हो तो खाओ वरना हम जा रहे हैं।